ज्योति कुमार सिंह जी, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, अब सरकार भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है, तो फिर 23 राज्यों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, फिर इस तरीके की अब बयानबाजी क्यों? आपकी यही तो मांग थी कि कोई एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए जांच के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दो तीन बातों को उन्होंने उठाया। एक तो उन्होंने उठाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से यूज करके ये गलतफहमी फैलाना चाहते हैं, और करप्शन की उन्होंने बात की। मैं पहले इस पर जवाब दे देता हूँ, फिर मैं असली बात मुद्दे पर आऊंगा जो आज का विषय भी है। सोशल मीडिया का तो आज का ये माजरा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार इजरायली कंपनी के मदद से इस देश में खुफिया काम करने का प्रयास कर रही है। ये इजरायली कंपनी के मदद से ये यहाँ के देश के लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहती है, जिसका प्रमाण मैं नहीं, विदेश के भी लोगों ने बोला और यहाँ के भी लोग बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं करप्शन पर, जो आगे ये क्या सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। आप देखें जिस देश में, और ये सस्टेन इसलिए भी करेगी क्योंकि इस देश में लोग अभी इतने, गरीबी की रेखा इतनी ज्यादा है, हंगर इंडेक्स जो है 107 है, अभी उस पोजीशन पर है। तो उस पर जिस लोगों का LIC में पैसा लगा और SBI के शेयरों में की कीमत में जब 1,00,000 करोड़ की ज्यादा से शेयर गिर जाते हैं, उनके पैसे अदानी को दे दिए जाते हैं और मध्यम वर्ग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों को पैसे नहीं दिए जाते हैं अपने उद्योग को चलाने के लिए, इसलिए भी कॉमन लोग हैं वो लोग इस भ्रष्टाचार के को उजागर करने के लिए अपने तत्पर रहेंगे, और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं तब तक यहाँ 140 करोड़ जनता जो है लगेगी। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो एक विपक्ष की पार्टी है जो जनता की आवाज उठाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन जब आएगा तो ये इलेक्शन केवल और केवल बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन पर ही 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। अगर मैं बात करूं बेरोजगारी ही की बात करूं आपको, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेरोजगारी का दर 8.5 रूरल एरिया में है और शहरी क्षेत्रों में 10%। ये CMII का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। महंगाई 6% से 6.5% तक है, और आज लोगों के थाली में निवाले नहीं है तो लड़ाई, पूरा इलेक्शन उस पर लड़ा जाएगा। जहां तक मैं, राजीव रंजन जी एक सीजन जर्नलिस्ट हैं और बहुत पुराने जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये इस तरह की बातें हो रही है। मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं, आप याद करें, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे किसी भी कांड का मुद्दा हो, उस पर जहां पर कि बिल्किस बानो का बात हो, चाहे कहीं पर आपके उत्तर प्रदेश में इतने घोटाले हुए, अभी हरियाणा में आपके ही रिपोर्ट में मैंने देखा कि बजरंग, कोई घटना घटी जिसमें बजरंग दल के 2 लोग उसमें शामिल पाए गए। तो ये सारी लड़ाई किसकी है? समाज में जो लोग रह रहे हैं अपनी 2 रोटी ईमानदारी की खाना चाहते हैं, और वो सारे आप मित्र को देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं 24 के लिए, बीजेपी कह रही है बिना साबित करे इस मुद्दे को आप बड़ा कैसे कर सकते हैं? और अब तो बीजेपी आपसे ये कहेगी, देखिए हम अगर आज सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर देता है तो फिर बीजेपी कहेगी देखिए इनकी जो मांग थी उस पर एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी कांग्रेस सड़क पर है। जनता के प्रति, देखिए जनता के प्रति जवाबदेह निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अडानी और सत्तारूढ़ शासन के बीच संबंधों की जांच तो दिन के उजाले में होना चाहिए ना। तो आप जब JPC की मांग हो रही है, आप जो जनता के प्रतिनिधि हैं, और ये केवल इस बार की बात नहीं है, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसमें पारिख जी उसका उसमें कांड हुआ था, उसमें भी JPC की मांग की गई थी, विपक्ष ने किया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने JPC की मांग को माना था और मांग कर उसको गठित किया था। तो आपको किस बात से डर है? क्यों डरते हैं आप? आप अपने मित्र को बचाने के लिए ये मित्र काल में आप बोलते हैं वंडरफुल ईयर है, ये तो डेडफुल ईयर है कि जनता के पैसे को SBI LSI में लोग पैसा, अपना जिंदगी का निवाला, एक शाम का पैसा खाना बचाकर उसमें लगाते हैं, उसके पैसे को अपने मित्र को देते हैं, और जिसके 1,00,000 करोड़ रुपए का से घट जाता है, और उस आदमी का, अदानी, मिस्टर अदानी का 12-13 लाख करोड़ का वो मालिक हो जाता है। क्या इस पर जांच नहीं होना चाहिए? वो JPC बैठाने में आपको दिक्कत क्या होती है? आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं अनिला सिंह जी, जल्दी से मैडम।
देखिए, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी का ना कुछ इलाज नहीं हो सकता, इनका इलाज जो है जनता ही करती है। यहाँ पर उछल उछल कर जो कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु कह रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, एसबीआई का हवाला दे रहे हैं, एलआईसी का हवाला दे रहे हैं, दोनों संस्थाओं ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो हमारी लोन बुक है उसमें जो अगर हम अडानी को जो हमने लोन दिए हैं या अडानी के जो शेयर्स लिए वो लेस देन 1% आ रहा है उसके बाद, और वो कह रहे हैं कि यहाँ जो भी भारतवासी हैं उनको किसी भी चीज का डर या खौफ में रहने की जरूरत नहीं है, वी आर वेरी वेल सेटल्ड। वो उनको समझ में नहीं आ रहा, मित्र 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 का पूरा 140 करोड़ जो भारतवासी है ना वो नरेंद्र मोदी जी के मित्र है। परेशानी आप लोगों को हो रही है, परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि भारत 2019 में हब हो रहा है। 2019 में आपको 23 करोड़ वोट मिले और हमें 13 करोड़ मिले हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए आप 140 करोड़ की बात ना करें। कॉमनवेल्थ में हमारा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, पहले पूरी एक आर्मी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन जाती थी, मेडल कुछ भी नहीं आता था। नहीं ठीक है, अनिला सिंह जी और ज्योति कुमार सिंह जी चले गए। ये अभी जो 9-10 राज्यों के चुनाव है ना, जैसे मेरे सहयोगी राजीव रंजन डे वन से ये कह रहे हैं कि इसमें ही पता चल जाएगा कि जो 140 करोड़ देश की जनता है किसके साथ कितनी खड़ी हुई है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, ये एक 140 करोड़ जनता की कैसे आप बात कर रही हैं? वहां तो जो 7 स्टेट के जो पॉपुलेशन वो डिसाइड करेगी ना, 140 करोड़ जनता थोड़ी डिसाइड करेगी, 140 करोड़ की जनता तो 2024 में डिसाइड करेगी। ज्योति कुमार सिंह जी कहने का मतलब वही है कि ये 10 राज्यों की जनता भी काफी बड़ी संख्या में ये डिसाइड कर देगी, काफी हद तक आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2019 में 12 करोड़ वोट मिला है, कांग्रेस पार्टी भी जवाबदेह है ना, इनको तो 22-23 मैं ये कह रही हूँ कि 10 राज्यों तो का जो रिजल्ट आएगा वो काफी हद तक तस्वीर क्लियर कर देगा, मानते हैं ना ज्योति कुमार सिंह जी? तो नहीं, वो उस स्टेट के जो लोकल मामले होंगे, जो लोकल बात होगी उस पर वो इलेक्शन हो रहा है, वो देश की इश्यूज पर बात तो नहीं हो रही है। अच्छा, मैं दोनों मेहमानों का रुख करूं, एक बार राजीव से, इस पर एक राजीव से एक सवाल छोटा पूछना चाहिए। नहीं नहीं, कांग्रेस एक मिनट रुकिएगा, अनिला सिंह जी एक मिनट रुकिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।